जो लोग महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश शुरू से की, बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाने का काम बीजेपी की पी टीम महागठबंधन का एक परिवार का कुपुत्र, दो कुपुत्र जो लगातार गठबंधन धर्म के खिलाफ चतरा में, सुपौल में और तीन फेज तक कांग्रेस और कोई गठबंधन एक मंच पर नहीं आना, एक गंभीर साजिश थी। लगातार माले के साथ समझौता हुआ, लेकिन सिवान के लिए नहीं, पाटलिपुत्रा के लिए, जिनका टेन्योर अभी 4 साल बाकी है। आखिर साहबुद्दीन जी से क्या दुश्मनी है? अपनी बहन के लिए समझौता होता है वहां, क्यों नहीं? मनोज यादव विधायक दल के नेता एक मजबूत यादव के खिलाफ एक गुंडा को ये टिकट देते, अपनी बहन को लड़ाने के लिए मनेर में भाई वीरेंद्र को गाली गलौज तक करते, रंजीत रंजन यादव जी के खिलाफ जदयू को वोट दिलवाते, चाचा और भतीजा मिलकर के जिन्होंने लालू यादव को समाप्त किया, शरद यादव ने सजा करवाई, उनको ला करके गठबंधन धर्म को कमजोर करते। फातमी और शकील और तनवीर को समाप्त करने के लिए और गिरिराज को जिताने के लिए ये अरुण जेटली से खुद के केस से बचने के लिए जदयू के साथ मिली भगत कर ये महागठबंधन के सीट को कमजोर करने और चुनाव के बाद बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए और केस से बचने के लिए आप सभी जगह सेकुलर ताकत और एक मजबूत अलायंस को समाप्त करते। क्यों? तीनों घटक दल के नेता, क्या कारण था कि ये गया में कांग्रेस राहुल गांधी जी के मंच पर नहीं गए? क्या ये चुनाव हरवाना चाहते हैं जितेंद्र मांझी को? क्या कारण था कि राहुल गांधी के मंच पर सुपौल में नहीं गए? पहले तो कहते हैं कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय होगा और बाद में कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। क्यों? सिर्फ शकील और कन्हैया के लिए?